नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस सनसनीखेज खबर पर चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इस अटैक ने ईरान इसराइल संघर्ष को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई लेबनान में हुए इसराइली हमलों और मिलिटेंट लीडर्स की हत्या के बदले में की गई है। इस हमले में इसराइल और अमेरिका ने ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि उनके 90% मिसाइलें अपने टारगेट्स को भेदने में कामयाब रहीं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। इस घटना की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तुरंत मीटिंग बुलाकर शांति बनाए रखने की अपील की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों समेत कई विश्व नेताओं ने इस हिंसा की निंदा की है और तनाव कम करने की मांग की है। इसराइल ने भी अपने सैन्य ऑपरेशंस जारी रखे हैं और लेबनान में हमले किए हैं। साथ ही उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इन हमलों में कई आम नागरिक हताहत हुए हैं, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने इसराइल को पूरा साथ देने का भरोसा दिलाया है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इससे मिडिल ईस्ट में एक बड़े संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लड़ाई से उन क्षेत्रीय शक्तियों को फायदा मिल सकता है जो लंबे समय से ईरान के खिलाफ हैं, जैसे कि तुर्की। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों से सीज फायर और बातचीत की अपील की है, लेकिन अभी स्थिति बहुत अनिश्चित बनी हुई है। क्या इस तनाव भरे माहौल में शांति की कोई उम्मीद दिखेगी, या फिर ये इलाका एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है? आने वाले दिन और हफ्ते इसका फैसला करेंगे। लेटेस्ट और जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।